हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। भैया देखो, आपको जो एक्सरसाइज 8.2 करनी है वो टोटली बेस्ड है इन एंगल्स के बीच में। जिसको ये एंगल 0 से लेकर 90 तक याद है भैया, वो उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो खुद अपने आप हो सकती है, बिल्कुल अपने आप। तो पहले आपको ये समझना है एंगल्स जो है इनको तो आपको लर्न करना है इस तरह से, ठीक है। और जो बच्चों को देखो लर्न हो जाते हैं, फिर एक कन्फ्यूजन बैठ जाता है कि भैया साइन का ये था, या साइन को लेकर हम कोसेक निकालते हैं, या सेक से हम कोसेक निकालते हैं, या टेन से कॉट निकालते हैं। आपकी इस वीडियो में उनको सारी प्रॉब्लम उसमें पूरी हल कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, देखो कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो बेसिक 0 से स्टार्ट होती है, या आप तैयारी करते हैं, या आप पढ़ते हैं, या आप कुछ भी करते हो, या बेस लगाते हैं, तो एक बेस लाइन 0 होता है, ठीक है। तो वही यहाँ करना भी है। तो देखो साइन 0, जो साइन ए लिखा हुआ है ना, देखो साइन ए की जगह हम क्या है, ए कोई भी हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है यार, ठीक है। तो वही यहाँ साइन ए कॉस ए वही रिप्रेजेंट किया गया है। देखो जब साइन 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, याद रखना 0। जब साइन 30 रखेंगे तो ये वैल्यू 1/2 हो जाएगा। साइन 45 ये 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 रखेंगे तो √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। हम 0 से चले और 1 तक पहुंच गए। हम इस ट्रिग्नोमेट्री को पूरा करने के लिए रिवर्स प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। किसका? रिवर्स प्रोसेस का। अब देखिए कॉस ए की जो वैल्यू होगी ना, अब आप उसे उल्टा करते आइए, या कॉस 0 होगी वैल्यू होगी वो 1 होगी, उसको उठा के इधर कर लीजिए। कॉस 30 वैल्यू आप पुट करेंगे 30, तो क्या होगा, इधर कर लीजिए √3/2। कॉस 40 वैल्यू ये इधर आ जाएगी 1/√2। कॉस 60 वैल्यू ये इधर कर दीजिए 1/2। और कॉस 90 वैल्यू 0, ठीक है। अब टेन ए, बस आपको ये दो चीज़ याद करनी थी। टेन की वैल्यू याद कर लीजिए, जब टेन 0 होगा तो भैया उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब टेन 30 होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1/√3। आप याद करेंगे कि जो टेन 30 वैल्यू होती है वो बराबर √3 होती है। टेन 45 वैल्यू होती है वो होती है 1। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। और टेन जो 90 होता है ना, या तो वो उसे हम इन्फिनिटी की तरफ लिख देते हैं, और एक शब्द और है नॉट डिफाइंड। आपको अच्छा लगे वो आप उस तरह से याद कर लीजिए कि 10-90 को हम इन्फिनिटी भी ले सकते हैं और नॉट डिफाइंड कर सकते हैं। अब भैया 10 का रिवर्स प्रोसेस क्या है, कॉट ए को रिवर्स कर लीजिए। जब कॉट 0 वैल्यू उसमें होगा इन्फिनिटी कर लीजिए, या इसमें नॉट डिफाइंड कर लीजिए। कॉट 30 लाइन चल रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, √3 आएगा, ठीक है। अब कॉट 40 वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉट 60 वैल्यू देखिए यह 1/√3 हो जाएगी, और कॉट 90 की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब ये सेक की वैल्यू कैसे आएगी, मैंने क्या कहा था, देखिए बताया था कि सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का सेक रेसिप्रोकल होता है। तो भैया देखिए ये 1 है, जब 1 के लिए आप यहाँ लिखोगे तो भैया देखिए ये 1 है, जब 1 को आप 1/1 लिखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ऑब्वियसली तो चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल सही है कि जब 1/1 लिखोगे 1 आएगी। अब देखिए जब √3/2 है, जब इसको उल्टा करोगे को रेसिप्रोकल करोगे इसका, तो वैल्यू 2/√3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस सेक 45 में जा रहा है, और 45 और जब उल्टा करोगे तो वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, √2 आएगी, अपॉन 1 आएगा, 1 को हम लिख सकते हैं √2 वैल्यू हो जाती है। अब कॉस सेक इसका उल्टा है तो वैल्यू इसमें 2 हो जाएगा। अब जो ये 1 है ये वैल्यू 0 है, तो हम इसका उल्टा करेंगे। देखो ये वैल्यू 0/1 लिखा है ना, ये वैल्यू जो लिखी हुई है 0/1 लिखा है, हमें सेक की वैल्यू निकालनी है, तो उसका उल्टा कर दीजिए 1/0। और 1/0 क्या देता है, अनडिफाइंड कह सकते हैं, नॉट और नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, ठीक है, या इन्फिनिटी। वो ये वैल्यू क्या हो गया, कॉट की वैल्यू, ये वैल्यू इधर जाएगी, कॉट की वैल्यू ऊपर लिख दी, सॉरी जो 10 की वैल्यू थी ना, हाँ यस, थोड़ा टेन गर्म हो गया, तो 10 की वैल्यू यहाँ आएगी और इसकी वैल्यू ये 0 आएगी। हम इस लाइन में चल रहे थे, वहाँ यहाँ आएगा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, आप इसे हटा लीजिए, ठीक है। ये था। अब कोसेक क्या है, कोसेक भी इसका उल्टा है, ये उल्टा, तो इसमें देखिए इन्फिनिटी कर दीजिए या नॉट डिफाइन कर दीजिए, इसमें 30 लाइन में कर दीजिए आप 2 कर दीजिए, और इसमें आप √2, इसमें √2 आएगा, इस वैल्यू में 2/√3 आएगा, और इसमें 1 आएगा। ये तो आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने क्या किया, इसमें रिवर्स प्रोसेस यूज किया, साइन को कॉस में रिवर्स में ले गया, ठीक है, ऐसे गए तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, टेन का कॉट का रिवर्स कर दिया, और सेक का कोसेक में रिवर्स कर दिया। अब एक और फंडा है इन्हें निकालने का,
भैया वैसे आपको रिवर्स करके ही आपको याद करनी है, निकाल सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरह से। अब देखिए बताता हूँ, जो टेन है ना वो देखिए, टेन को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। टेन ए की वैल्यू होती है वो साइन ए अपॉन कॉस ए लगाकर भी कह सकते हो। ये फॉर्मूला है कि टेन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए। तो लिखिए देखिए, साइन ए अपॉन कॉस ए तो वन अपॉन जीरो अपॉन वन जीरो होता है। अब यहाँ देखिए वन अपॉन टू को वन अपॉन टू, अब जब ये रूट थ्री अपॉन टू लिखोगे तो देखिए टू ये वैल्यू क्या जाएगी इंटू में वन अपॉन टू इंटू टू अपॉन रूट थ्री, टू से टू कट गया, वैल्यू क्या होती है वन अपॉन रूट थ्री। बिल्कुल सही है, ऐसी कर सकते हो है? अगर आपको वाला क्वेश्चन याद हो ऐसी इसे करिए, वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू तो वैल्यू बनाएगी। ठीक है, आपको मैं बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो देखिए जब जीरो पॉइंट वन है, जीरो पॉइंट वन तो लिखा हुआ है, जब इसे उल्टा करोगे वन अपॉन जीरो करोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वैल्यू आ गई। इसका उल्टा करोगे तो टू आ गया, इसका उल्टा करोगे तो ये आ गया रूट टू, इसका उल्टा करोगे टू अपॉन रूट थ्री, और इसका उल्टा वन अपॉन वन का वन ही आएगा। बिल्कुल आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, उसका कॉस का सेकंड कर सकते हो, टेन का कॉट कर सकते हो। बस आपको क्या है, बस एक टेन की वैल्यू याद करनी होगी, क्योंकि इसका उल्टा इसका होगा, और साइन की वैल्यू आपको याद करनी है, आपका बिल्कुल टेबल बन जाएगी। अब मैं आपको एक आता हूँ बोर्ड का क्वेश्चन जो कि मेरे समय में आया था। यस, ये देखिए एग्जाम्पल एट है, एस आई एट पॉइंट टू करने से पहले इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में आता भी है, मेरे समय में बोर्ड में आया था। आप कर ही देखिए, साइन ए माइनस बी अपॉन इक्वल टू वन पॉइंट टू दे रखा है। अब आपको मैंने बताया था कि वन पॉइंट टू क्या होता है, देखो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन थर्टी लिख सकता हूँ उसमें, क्योंकि देखो यहाँ साइन की वैल्यू है, तो साइन में वन पॉइंट टू कहाँ होता है, साइन थर्टी वैल्यू होती है वन पॉइंट टू। तो देखिए मैंने ये लिख दिया, साइन से साइन कट गया, मतलब ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास थर्टी आ गई। ठीक है, अब बिल्कुल यहाँ लिखिए देखो, कॉस ए प्लस बी, अब कॉस में वन पॉइंट टू कहाँ आता है भैया, कॉस में वन पॉइंट टू कॉस सिक्सटी आता है। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट गया, तो वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी कॉस सिक्सटी आ गया। तो आपको इस तरह से करना था, मतलब साइन यहाँ है तो साइन में कहाँ आता है, कॉस है तो कॉस में वन पॉइंट टू कहाँ आता है। ठीक है, तो देखिए अब ये सॉल्व करेंगे, टू ए कॉस टू नाइन टू आएगा, एक वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई डिग्री में। अब यहाँ यहाँ रख दीजिए 45 प्लस बी इक्व टू 60, बी इक्व टू 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू आपके पास आएगी 51, 15 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको बताऊँ, देखिए साइन किसका उल्टा होता है, ये होता है कोसेक का, ये टेन टेन ए किसका रिवर्स होता है, वो होता है कॉट का, सेक किसका रिवर्स होता है, कोसेक का, ये रिवर्स है। ठीक है, मैंने क्या कहा, रिवर्स मतलब कि इसका रेसिप्रोकल समझ लीजिए आप, इसे इस तरह से समझ लीजिए रेसिप्रोकल करके, हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। अगर आपको इन में से साइन ए की वैल्यू पता है तो आप इसकी कॉस की वैल्यू रेसिप्रोकल निकाल सकते हो। मान लो कि मुझे साइन 30 दे रखा है, वैल्यू 1.2 आती है, तो अब कॉस 30 की निकालनी है, कोसेक 30 की निकालनी है, तो आप बताएं साइन 30 की 1.2 होती है, इसका उल्टा कर दीजिए ये 2 हो जाएगा। सेम इसका अगर टेन की वैल्यू पता है तो कॉट निकाल सकते हो, सेक की पता है कोसेक निकाल सकते हो, और टेबल आपको मैं समझा दी, और टेबल निकालूँ तो उल्टा वाला फैक्टर चलता है। ठीक है, अब मिलते हैं, आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं। ठीक है।